हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आएं मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। क्राइम ब्रांच यूनिट 1 द्वारा एक हुक्का पार्लर का पर्दाफाश किया गया है, जहां स्पोर्ट्स कैफे के नाम पर नशे का अड्डा चलाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने कल रात को यह कार्रवाई की है। दरअसल कल रात लगभग 8:30 बजे जब क्राइम ब्रांच यूनिट 1 की दस्ते ने प्रताप नगर हद में आने वाले सुभाष नगर स्थित वेयर हाउस स्पोर्ट्स कैफे में प्रवेश किया, उस समय कुछ लोग टेबल टेनिस खेल रहे थे तो वहीं आधे से ज्यादा लोग तंबाकू जन्य हुक्का पी रहे थे। कुछ दिनों के पहले गुप्त सूत्रों के हवाले क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को यहाँ चल रहे काले कारनामे का पता चला था। उसी के संज्ञान पर पुलिस ने कल रात वेयर हाउस स्पोर्ट्स कैफे में अचानक से छापा मारा, जहाँ पूरा दृश्य रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके चलते कैफे मालिक मेडिकल चौक निवासी 24 वर्षीय अर्श नारंग समेत ओंकार नगर निवासी 28 वर्षीय चैतन्य येरकुटवार और बंसी नगर निवासी 23 वर्षीय बिट्टू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है, जहां कुल 6 हुक्का पॉट साथ ही साथ कुल 16,200 रुपए का तंबाकू जन्य पदार्थ जब्त किया गया है और आगे की जांच जारी है। काल संध्याकाळी आम्हाला गोपनीय माहिती गौरवावर माहिती मिळाली, वन भवनच्या बाजूला वेअर हाऊस स्पोर्ट्स कॅफे आहे हिंगणाटी पॉइंट जवळ, तिथे अभद्रता हुक्का पार्लर चालतो म्हणून, त्यानुसार आम्ही रेड कारवाई केली असता आम्हाला तिथे काही कस्टमर्स हे जे शासनाने प्रतिबंधित केलेला तंबाखू टाकून असलेला हुक्क्याचे सेवन करताना मिळू आले, त्यानुसार आपण तिथे कोपटा अंतर्गत कारवाई केलेली आहे कलम 4:21-5:21 कोटपा ऍक्ट अनुसार। त्यामध्ये जो कोटपा मालक आहे अर्श नारंग, तसेच त्याचे इथे दोन त्याचं काम करणारे इसम चैतन्य एरकुंटवार आणि बिट्टू मरकाम याच्याविरुद्ध आपण गुन्हा दाखल केलेला आहे, पुढील तपास सुरू आहे। हो, तिथे काही कस्टमर हुक्का पिताळून आलेले आहेत, सर्व हे बालिक होते, त्यांना आपण योग्य ती शिक्षा देऊन त्यांना सोडलेले आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट।